सुन रहा है? सुन रहा है? हेलो जी बोलिए प्लीज। कौन? सर, विवेक बोल रहे हो। मैं बिल्कुल मार्केट से डर निकल गया। बहुत बड़े विवेक भाई, डर निकलना चाहिए, पर एक चीज ध्यान रखना, डर के साथ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, बस इसके शिकार मत होना। नहीं, और कॉन्फिडेंस नहीं हुआ सर। एक लॉट में काम करते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, लिमिटेड रहना चाहिए, पूरे महीने उसी लॉट की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी आपकी। विवेक भाई ये बताओ, पहले क्या गलतियां करते थे, आप नहीं कर रहे थे? पहले कभी 4 लॉट ठोक दिए, कभी 10 ठोक दिए, अब सिर्फ एक लॉट सर। बहुत बढ़िया, एक लॉट से एवरेज कितना निकल जाता है आराम से कंफर्टेबली? पैसे ही 10,000 रुपये डाल रखे अकाउंट में। बहुत बढ़िया, 10,000 रुपए से कितना डेली प्रॉफिट आ जाता है? मेरे हो गए सर 30,000 रुपये। 10,000 के 30,000 हो गए, हाँ जी, 3 गुना हो गया पैसा। कितने हाँ जी, दिन में? पाँच छह या 7 दिन में। मतलब 6 दिन में डेली की 5,000 की एवरेज आप निकाल रहे हो? आज है सर, अब बैलेंस है मेरा 27,298 रुपये और 4,3800 का प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बधाई दे दे भाई। ₹10,000 डाले थे सर। फैंटास्टिक, देखो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे, है ना? तो जैसा मैं कह रहा हूँ सुन के करेंगे तो भाई पैसा नहीं जाएगा, पैसा आएगा। दूसरा अकाउंट में सर 8,00,000 रुपए पड़े हैं, वहां इतना लॉस करता था मैं पता नहीं जी। 30,000 रुपए। बस विवेक भाई एक काम करना, एक रिक्वेस्ट है, अभी उस 8 लाख को 6 महीने छेड़ना नहीं है, ध्यान रखना प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं बंद कर दिया सर। उसमें जो स्टॉक्स बताऊं डिलीवरी के लिए वो लेके बैठ जाना, बस खत्म, ठीक है? वो लॉस होता था सर। नहीं मत करो, वो इसलिए होता था क्योंकि आप डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहे थे, बेवजह कर रहे थे, अब नहीं कर रहा वो, कुछ भी नहीं लेता था सर जी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करेंगे ना तो हम सब मिलके पैसे बनाएंगे। सोचो हम यहाँ कितने लोग बैठे हैं, प्रॉफिट आप मेरे को समझ आ गया, पैसा बढ़ेगा सर, बनेगा सर, बस ये बिना बात, ये मैसेज शानदार है, बहुत बढ़िया।